हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। राज्य में तीसरे विकल्प के रूप में खड़ी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते उत्तराखंड की हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत से चुनाव जीतने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वहीं सितारगंज 68 विधानसभा में दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के पार्षद और सितारगंज विधानसभा के जोनल प्रभारी नरेंद्र राणा ने सितारगंज में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, राज्य में इस बार आपकी सरकार बनना तय है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। जनता से सभी प्रत्याशियों को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। सरकार बनने के बाद जनता से किए वादों को पार्टी पूरा करेगी, जिनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, रोजगार की गारंटी, युवाओं को भत्ता हमारी गारंटी में है और हम इन सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। वहीं सितारगंज विधानसभा से प्रत्याशी अजय जायसवाल को जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, उनकी जीत निश्चित है। उन्होंने बताया, हमारा मुकाबला कांग्रेस, बसपा और सपा से नहीं, बल्कि हमारा मुकाबला भाजपा से है। रणनीति तो बहुत सारी है, चुनाव में मुद्दे हमारे बहुत सारे हैं। सीएम साहब ने जैसे हर बार बोला, हमारे सीएम साहब ने देहरादून में बोला है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो बिजली यूनिट 300 यूनिट तक फ्री हो, और पूरे उन्होंने कहा जितने भी तीर्थ यात्रा यहाँ से फ्री कराएंगे और जो हर महिलाओं को जो 18+ है उसको 1000 रुपये उसका मान सम्मान के लिए दे राशि दी जाएगी, और जितने बेरोजगार उनको 5000 रुपये पर मंथ का दिया जाएगा, और जो उस पर राजधानी की बनाएंगे उत्तराखंड को आगे ले जाके। बहुत सारी ऐसी स्कीम है सीएम साहब ने जो दिल्ली में करके दिखाया है, दिल्ली वाला मॉडल, जैसे कोई स्कूल का हो, चाहे शिक्षा का, इसका स्वास्थ्य का हो, दिल्ली में करके दिखाया। आप देखो उन्होंने दिखाया था स्कूल की हालत, आज दिल्ली के रोल मॉडल स्कूल के टॉप वर्ल्ड क्लास स्कूलों में गिनती होती है, पर यहाँ के स्कूल हमने जाके खुद फिजिकली चेक करे, उनको बच्चों का भविष्य चाहते ही नहीं हुए, बच्चे आगे बढ़े, उनके स्कूल इतने बुरे हालत है। तो सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उन्हीं पे सीएम साहब का काम रहेगा और ये करके दिखाएंगे। एक मौका मांग रहे हैं सीएम साहब ने बोला है, अगर वो भी जैसे निकले पूरे 5 साल में काम ना करे तो अगली बार उनको वोट मत देना। ऐसा नेता वही कहता है जिसने काम किया, ना कोई आज तक नेता नहीं कहता। ये पिछले 15-20 साल से एक बार कांग्रेस आ जाती है, एक बार बीजेपी आ जाती है। अगर काम के नाम पे करो तो काम के नाम पे एक भी काम नहीं है। फाइट में हमारे यहाँ अगर हमारी सीधा मुकाबला करा जाए तो हमारा यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस और बसपा हमें नहीं लगता उस पर तो आदमी अपनी वोट देके खराब करेगा। कांग्रेस यहाँ दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही और कांग्रेस का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। पिछले डोर टू डोर कर रही है, जनता जुड़ी हुई है। आज कम से कम हमारी डोर टू डोर पे जो टीमें चल रही है, कम से कम 700 आदमी हर घर में, जो हमारे सीएम साहब ने कहा हर दरवाजे पे, हर घर पे हमारा कैंडिडेट और हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, वो काम चल रहा है। 600-700 आदमी हमारी टीम लगी हुई है जो हर घर पे डोर टू डोर पे काम करेंगे। रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, इतना अच्छा रिजल्ट आएंगे जो आने वाले, जैसे दिल्ली में 70 में से 67 सीटें एक बार दी थी, दोबारा 64 दी थी, ऐसे ही नतीजे उत्तराखंड में आएंगे, इतनी हमें उम्मीद है जनता से। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।